11 बजे से टीवी पर चलेगा। ओवैसी ने दरियापुर में आकर भड़काऊ भाषण दे दिया। अरे मीडिया को हमसे इतनी मोहब्बत है कि हमारे ससुराल वालों को भी हमसे इतनी मोहब्बत नहीं है। अब कल से शुरू हो जाएंगे हमारा निकाह करने की फिक्र में रहेंगे। अभी तो अब पूरे कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान कर दिया, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली शुरू की थी, आज बीजेपी के लिस्ट में कोई नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता भैया? तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं देंगे। मैं टोपी वाले कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक को भी कैंडिडेट नहीं बनाती, मगर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आप देखना, ये हमारा जुमला कल सुबह 11 बजे से टीवी पर चलेगा। ओवैसी ने दरियापुर में आकर भड़काऊ भाषण दे दिया। अरे मीडिया को हमसे इतनी मोहब्बत है कि हमारे ससुराल वालों को भी हमसे इतनी मोहब्बत नहीं है। अब कल से शुरू हो जाएंगे हमारा निकाह करने की फिक्र में रहेंगे। यकीनन बीजेपी को हराइए, मैं कब कह रहा हूं मत हराओ बीजेपी को। मैं बीजेपी के खिलाफ इतना बोलता हूं और बोलता रहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब मेरी गाड़ी टोल गेट के पास आई तो 6.5 फीट के फासले से दो बीजेपी के चाहने वाले मेरी गाड़ी मुझ पर 6 राउंड फायरिंग किए। 6 राउंड, ये तो अल्लाह ने उस वक्त लिख दिया था कि मेरी मौत नहीं थी, वरना तो मैं सिर्फ उनकी बंदूक को देखकर ये समझ गया कि अब इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया। 6 फीट के फासले से मुझ पर गोलियां चलाई गई। और उसके बाद आप देखते हैं कि जब पार्लियामेंट में मैं गया तो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, जब पार्लियामेंट में गया तो कांग्रेस का एक भी एमपी मुझ पर गोलियां चलाने वालों की मजम्मत नहीं किया। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो। दूसरे ही दिन मैं पार्लियामेंट गया, स्पीकर साहब से मुलाकात की और स्पीकर साहब से कहा कि साहब मुझे 5 मिनट दीजिए बोलने के लिए। तो स्पीकर साहब ने कहा कि बिल्कुल बोलो, वैसी तुम पर गोलियां चलाई गई हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग के एक एमपी ने उठकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी पर जो गोलियां चलाई हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं कांग्रेस की मजम्मत का मोहताज नहीं हूं, मगर मैं बता रहा हूं इनकी नफरत को तुम्हारे सामने। अगर इनके नेता की सिक्योरिटी कम की जाती है तो कांग्रेस आसमानों को सर पर उठा लेती है। अरे 4 मरतबा के एमपी की गाड़ी पर 6-6 गोलियां चलाई जाती है तो कांग्रेस के लोग गूंगे बनकर बैठ गए, मगर मैं इनकी मजम्मत का मोहताज नहीं हूं। मैं हमेशा अल्लाह का मोहताज था और रहूंगा इंशाल्लाह।